विकास कार्यों के ऐलान और उन्हें अमली जामा पहनाने में राजस्थान ने पूरे देश में नजीर पेश की है। और यदि इस हफ्ते की बात करें तो दो घटनाक्रम ऐसे रहे जिनकी खासी चर्चा रही। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में 3 और जिले बनाने की घोषणा की, तो उसके एक दिन पहले ही उन्होंने 2030 तक राजस्थान को नंबर 1 राज्य बनाने के राजस्थान मिशन 2030 के विजन डॉक्यूमेंट का विमोचन किया। तो अब सबसे पहले बात नए जिलों की। इसी साल 33 से 50 जिलों वाला राजस्थान अब 53 जिलों का होगा। शुक्रवार को जयपुर में हुए गो सेवा सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की मांग और उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश के आधार पर मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी को नया जिला बनाया जाएगा। सम्मेलन के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि नए जिले बनने से स्थानीय लोगों को प्रशासनिक कार्यों के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। 3 जिले नए बनाने की घोषणा करी हमने, हम क्योंकि हमारे पास रिक्वायरमेंट आ गई थी उनकी। अब मैंने कहा है कि बाकी भी जिले में जो सीमाओं का मामला है और कोई मांग भी होगी जिले की, मान लो पूरी स्टेट होगी, राजस्थान को हम मॉडल स्टेट की बात हम कर रहे हैं, हम चाहेंगे राजस्थान मॉडल स्टेट ही बने। अगर मान लो छोटे राज्य बनते हैं, छोटे जिले बनते हैं, गुड गवर्नेंस होगी, पब्लिक को तकलीफ नहीं होगी, नजदीक में हेडक्वार्टर रहेगा। और अब बात आकार ले रहे राजस्थान मिशन 2030 की। गुरुवार को जयपुर के कॉमर्स कॉलेज में मुख्यमंत्री ने मिशन के मास्टर प्लान का विजन दस्तावेज जारी किया। उन्होंने कहा कि ये डॉक्यूमेंट आने वाले समय में प्रदेश के विकास को नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज साबित होगा। भविष्य में और भी सुझाव इसमें जोड़े जाएंगे। ये 3,32,00,000 से ज्यादा राजस्थानियों के सपनों, रंगों, अपेक्षाओं, विचारों और सुझावों से उकेरा गया ऐसा गुलदस्ता है जो प्रदेश की प्रगति को 10 गुना बढ़ाएगा। इस मौके पर 5,000 हितधारक जुटे तो हर जिले से 500 हितधारक VC के जरिए जुड़े। विजन डॉक्यूमेंट पर मुख्यमंत्री ने कहा, डॉक्यूमेंट बना आपका, ये शानदार डॉक्यूमेंट बन गया है, ये अंतिम डॉक्यूमेंट नहीं है, ये आने वाले वक्त में भी और सुझाव आते जाएंगे, जुड़ते रहेंगे, कभी कभी डॉक्यूमेंट की फॉर्म में आते जाएंगे। ये सोच थी हमारी, ये सोच थी, ये डॉक्यूमेंट बने रहते हैं के लिए आने वाली पीढ़ियों में काम भी आए, नौजवानों का काम आए, छात्रों को, नौजवानों को इंटरेस्ट क्रिएट हो रहता है कि सपने को लेके कैसा सपना होना ये रहता है के लिए लाइब्रेरी में वार्ता में बैठे बोलो, ये सोचने का लिए है। ये आपके लोगों सुझाव आया को बनाया गया है। इसलिए मैं यहाँ जाऊंगा, जिस प्रकार से हम लोगों ने काम किए हैं, ऐसा माहौल बनाया, पहले हम बहुत पीछे थे, 39% हमारे यहाँ पर, आज 70% पहुँच गया चिकित्सा के लिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने चिकित्सा शिक्षा विभाग, PWD, PHED और जल संसाधन विभाग के करीब 12,700 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इनमें राजसमंद, प्रतापगढ़ और जालौर में नए मेडिकल कॉलेजों और मसूदा और रावत भाटा में नए नर्सिंग कॉलेजेस का अपने स्तर पर निर्माण करना शामिल है। CM ने चिरंजीवी एम्बुलेंस प्रोजेक्ट के तहत 200 नई एम्बुलेंसेस को भी हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान को चिकित्सा ही नहीं हर क्षेत्र में मॉडल स्टेट बनाकर 2030 तक देश का नंबर 1 राज्य बनाना है। हम लोग मिशन 2030 का उद्देश्य लेके चल रहे हैं, एक मिशन बने, डॉक्यूमेंट बने, प्रदेश वाले क्या चाहते हैं, एक विनम्र प्रयास किया गया और मुझे बताया गया 3 करोड़ से अधिक लोगों ने डायरेक्टली और ऑफलाइन ऑनलाइन अपनी भागीदारी निभाई। इसके मायने हैं कि मायने ये है, राजस्थान के प्रत्येक नागरिक अपना सोच रखता है, राजस्थान 30 तक कहाँ तक पहुँचे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, हर क्षेत्र के अंदर, विकास के क्षेत्र में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में, या योजना चल रही सोशल सिक्योरिटी की, कोई भी योजना हो। और मुझे खुशी है कि प्रदेशवासी जो है, मैं उन सबको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने इसमें भाग लिया और जो लोग जुड़ सके। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। एक तो मैंने कहा कि जो गिग वर्कर्स है इन्होंने 200 करोड़ भी रखे थे असेंबली के अंदर, बजट के अंदर, तो मैं आज भी घोषणा कर रहा हूँ इन सबका रेशन शुरू हो गया है, इनको कम से कम जो हेलमेट, शूज, यूनिफॉर्म इत्यादि काम आती है, इन सब के लिए प्रति गिग वर्कर्स को 5,000 रुपए प्रति एक बार, वन टाइम उनके खाते में डाले जाएंगे, जिससे कि वो अपना कारोबार शुरू कर सके। दूसरा मैंने सोचा है, महिलाओं को मैंने 50 रुपए कर रखा है किराया
गोदरेज के अंदर 50%। अब मैं सोचता हूँ कि महिलाओं को और जो वर्किंग वुमेन्स है, छात्राएं हैं, कई लोग मंथली बार बनाते हैं, जो महिलाएं मंथली बार बना रही है बनाएगी, उन सबको जो है 90% सरकार अनुदान देगी और इसको 90% देगी। मैं घोषणा कर रहा हूँ राजस्थान मंत्रालय सेवा डायरेक्टर बनाया जाएगा, जो राजस्थान कर्मचारी चयन भर्ती बोर्ड द्वारा नई भर्ती के लिए जारी नई मेरी सूची के अनुसार विभिन्न विभागों में नियुक्ति एवं कैडेट प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित काम, प्रतिस्थापन, वरिष्ठता निर्धारण, पदोन्नति और ट्रांसफर डायरेक्टर करेगा। मुख्यमंत्री ने विजन डॉक्यूमेंट के लिए प्रदेश भर के पुरस्कृत निबंधों की संकलन पुस्तिका का भी विमोचन किया। उन्होंने 15,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों और व्याख्याताओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किया, तो विजन डॉक्यूमेंट संबंधी निबंध और भाषण प्रतियोगिताओं में स्कूल स्तर पर विजेता रहे विद्यार्थियों को लैपटॉप और कॉलेज विद्यार्थियों को 1,00,000 रुपए के पुरस्कार भी दिए। इस दौरान राजस्थान अनुकंपा नियुक्ति प्रबंधन प्रणाली और बिजनेस टू गवर्नमेंट पोर्टल का शुभारंभ भी किया गया। समारोह में आयोजना मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि विजन डॉक्यूमेंट के लिए सुझाव देने वाला हर व्यक्ति बधाई का पात्र है। इनमें से सर्वश्रेष्ठ सुझाव छांटकर राजस्थान के उज्जवल भविष्य का ये दस्तावेज बनाया गया है। मुख्यमंत्री जी की अपील पे कि आइए राजस्थान के भविष्य को बनाने के लिए विजन 2030 के डॉक्यूमेंट में अपनी हिस्सेदारी दीजिए, अपने सुझाव दीजिए, ऑनलाइन दीजिए, और राजस्थान की पूरी जनता ने इसके अंदर जितना बढ़ चढ़ के भाग लिया है, मैं समझती हूँ आप सब लोग इस बात में धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने विजन 2030 को बहुत गंभीरता से लिया। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने बताया कि निबंध प्रतियोगिता में प्रदेश के 9,00,000 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। निबंध प्रतियोगिता में लगभग राजस्थान के 9,00,000 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया, उसमें 4 जो प्रथम थे उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने लैपटॉप प्रेजेंट किए हैं। जो फर्स्ट आया है विद्यार्थी, उसका नाम महेश है, उन्होंने सीनियर वर्ग हिंदी माध्यम में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपना नाम रोशन किया है। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि ये डॉक्यूमेंट पूरे प्रदेश के सपनों, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को शामिल करते हुए तैयार किया गया है। सुझाव जुटाने के लिए वेबसाइट लॉन्च की गई और विभिन्न विभागों ने समन्वय बिठाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की। ये विजन 2030 हम सबका है, ये मात्र एक डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि ये प्रदेशवासियों के सपनों का, उनके आकांक्षाओं का और सरकार से जो उनकी अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं को शामिल करते हुए ये दस्तावेज आप सबके लिए बना है। ये हम सभी का दस्तावेज है और हम सभी को इसको मिलके इसको साकार करना है। और ये नहीं है कि आज ये जो दस्तावेज है ये अंतिम दस्तावेज है, अगर हमको लगेगा कि इसमें और सुझाव बेहतरी के लिए आए हैं तो हम लोग उसको और बेहतर करेंगे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने इस साल 15 अगस्त को राजस्थान मिशन 2030 का खाका प्रदेशवासियों के सामने रखा था, तभी विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने की पहल की गई। वे अपनी जनसभाओं में अक्सर मिशन 2030 की चर्चा करते रहे हैं। 2030 तक राजस्थान कहाँ पहुँचे, राजस्थान की शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में, सिक्योरिटी के अंदर, फूड सिक्योरिटी के अंदर, पानी में, बिजली में क्या सुविधाएं हो, और कितनी इनकम कितनी हो, प्रति व्यक्ति आय कितनी हो, उस वक्त तक हैप्पीनेस इंडेक्स कैसा हो, जीडीपी कितनी हो हमारी, ये हमारी कहना है। राजस्थान जो है इसकी मैसेज लेके नहीं आया है प्रबंधन, हम लोगों की जीडीपी जो है 15,00,000 करोड़ हो जाएगी इस साल के अंत तक, और हम लोगों ने तय किया है 2030 तक 30,00,000 करोड़ की जीडीपी बननी चाहिए राजस्थान के विकास के गंगा में जाएगी उस वक्त। तो आइए हम सब संकल्प लें कि राजस्थान को नई ऊंचाई पर पहुंचाना है, 2030 तक देश का सिरमौर राज्य बनाना है। तो आज के अंक में इतना ही, जुड़े रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।